हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, की हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह पहाड़ों की इस खूबसूरत सुबह के साथ दोस्तों एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में स्वागत करता हूँ आपका। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत ही कर लेते हैं और देखते हैं दिन भर क्या क्या हो सकता है। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं और पहाड़ों के ब्लॉग आप लोगों को पसंद आते हैं, खासकर पहाड़ आप लोगों को पसंद आते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कर लीजिए यार सब्सक्राइब। तो देखते हैं दोस्तों आज दिन भर क्या क्या हो सकता है। पहले तो अभी जाना है सुबह का, जो सुबह का टाइम है इस समय जाना है सरना की तरफ, वो सरना के टापू पे जाना है, ऊंचाई पे जाना है और वहाँ कैसा काम चल रहा है वो देख के आना है। और उसके बाद हो सकेगा तो फैमिली के यहाँ जाएंगे, तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है दिन में। तो शुरुआत ही कर लेते हैं आज के ब्लॉग की। तो फिलहाल तो मैं भी आ चुका हूँ घर से, दूध की बाल्टी लेके जा रहा हूँ डेयरी पे। और मॉर्निंग व्यूज कुछ इस प्रकार आ रहे हैं आज पहाड़ों से। बारिश ही नहीं हो रही दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए। मैंने सीन ऐसा है दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं कसलिंग मार्केट पे और डेयरी पे मैंने दूध दूध भी फिलअप कर लिया है। बाकी यहां से सुबह सुबह मुक्तेश्वर घाटी की तरफ के नज़ारे देख लीजिए, कितने औसम व्यू जा रहे हैं, खूबसूरत मनमोहक दृश्य और काफ़ी हल्की चोटियां दिख रही हैं हिमालय की। मुक्तेश्वर घाटी के पास में हिमालय की चोटियां दिख रही हैं हल्की हल्की। तो मैं भी चलता हूं मार्केट की तरफ, अमित भाई का वेट है, उसके बाद निकलेंगे सरना को। तो फाइनली दोस्तों कसलेक से हम चल दिए हैं भालूबार वाटरफॉल रोड होते हुए सरना पदमपुरी की तरफ को। अब चलते हैं वहाँ और कैसा वहाँ माहौल बना है, कैसा वहाँ से व्यू आ रहा है, तो सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं फ्रेंड। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं सरना हिल टॉप पे और मैं अभी आपके साथ काम भी शेयर करता हूँ, क्या काम यहाँ पर हो रहा है, कितना काम हो गया है। और आज है मंडे, तो सावन का महीना चल रहा है, काफ़ी पवित्र महीना होता है, हमारे पहाड़ों में भी काफ़ी पवित्र महीना माना जाता है। आज पहला सोमवार है सावन का, तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। और भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना रहेगी कि भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में, हमारे यूट्यूब परिवार, हमारी जो फैमिली है, आप सभी के जीवन में सुख समृद्ध और मंगलमयी बनाए रखें, तो यही कामना भगवान भोलेनाथ से भी मेरी रहेगी। तो दोस्तों अब आपके साथ काम शेयर करते हैं, क्या काम यहाँ से यहाँ पर हो रहा है और साथ में आपको व्यू भी दिखाता हूँ किस प्रकार के नज़ारे यहाँ से आ रहे हैं। तो पहले तो फ्रेंड नज़ारे देख लीजिए, ऑसम व्यूज के आ रहे हैं, देखिए बादल कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हम आए काफ़ी दूर से, जो लास्ट पहाड़ी है हम लोग इधर से आए हैं। और काम की बात करी जाए तो यहाँ पे कॉलम्स पड़ चुके हैं और अभी सेटरिंग हो रही है, लेंटर की तैयारी यहाँ पे चल रही है। फ्रेंड सामने जो व्यूज आ रहे हैं ना, आज काफ़ी हल्का हिमालय दिख रहा है इस तरफ को, ये देखिए हल्की चोटियाँ दिख रही हैं हिमालय की। बाकी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, सितंबर अक्टूबर का समय आएगा तो काफ़ी बढ़िया इस कोने से लेके यहाँ तक का पूरा हिमालय दिखता है, यहाँ से काफ़ी बढ़िया हिमालय की चोटियाँ दिखती हैं। बाकी आप कमेंट में शेयर करिएगा आपको यहाँ से नज़ारे कैसे लगे। बाकी मेन काम तो यही वही है, सेटरिंग हो रही है, सेटरिंग जितनी जल्दी सेटरिंग कंप्लीट हो जाएगी उतनी जल्दी यहाँ पे लेंटर की तैयारी शुरू होगी और लेंटर डल जाएगा। और सामने की तरफ देखिए क्या मस्त लग रहे हैं खेत, घर के पास में हरे भरे एकदम, काफ़ी सुंदर नज़ारे आ रहे हैं। फाइनली फ्रेंड सरना से निकलने के बाद अभी हम पहुंचे हैं धारी तहसील पे, यहाँ पे हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उनको लेते हैं फिर चलेंगे घर की तरफ को। ये हमारी तहसील धारी, थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ भी देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो हमने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लेने हैं
उनको लेके निकलेंगे अपनी कसिया लेक की तरफ को। तो फाइनली फ्रेंड धारी से निकलने के बाद हम धानाचुली वाले रास्ते आ गए और अभी खड़े हैं धानाचुली बैंड पे। यहाँ पर हमें कुछ काम है तो वो काम निपटाते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे कसिया लेक के लिए। तो ये मेन रोड है धारी पदमपुरी भीमताल हल्द्वानी को जाने वाली और पास में बहुत सी गाड़ियाँ रुकी हैं। तो यहाँ पर है धानाचुली बैंड, तो पास में शॉप है लोहार भैया की। तो यहाँ पर हम कुछ बर्तन ले आए थे, कुदाल वगैरह, तो उनको बनाना है यहाँ पर, क्योंकि आजकल घर पे आप राजमा गोभी ये चीज़ हो रही है तो गुड़ाई उड़ाई करने के लिए कुदाल वगैरह चाहिए, तो उनको ही बनवाने के लिए यहाँ पर आए हैं लोहार भैया के पास। ये देखिए ये दो कुदालें लेके हम आए हैं, और भी लोग यहाँ पर बर्तन लेके आए हैं जैसे दराती वगैरह। और चलता फिरता रोड है तो इनने कुछ फ्रूट्स भी रखे हैं जैसे सेब आड़ू नाशपाती वगैरह रखा है। तो चलता फिरता रोड है तो यहाँ से भी बहुत लोग खरीदते हैं। तो फ्रेंड आप देखते हैं लोहार भैया कितना समय लगाते हैं हमारे औजार बर्तन जो है उनको बनाने में, तो उसके बाद चलेंगे कसित घर की तरफ को। और आसपास मस्त जंगल है बांस का, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो भट्टी में तो आग लगा दी है और इस आग में इन बर्तनों को तपाया जाता है, फिर इनको दिया जाता है आकार। तो फाइनली दोस्तों सीन अभी ऐसा है, करीब दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और हम भी आ चुके हैं, भटेलिया से भी आ गए हैं, लंच भी कर लिया भटेलिया में। तो अब चलता हूँ अपनी फैमिली के यहाँ पे जहाँ पे कैजुअलिटी हुई है, थोड़ी देर वहाँ रहेंगे, आज 9वां दिन है वहाँ। अभी मैं कसली मार्केट से चल लिया हूँ, अगर कुछ काम हो पाया तो काम कर लेंगे, नहीं तो थोड़ी देर तो वहाँ रुकना ही पड़ेगा, फैमिली का सवाल है। और नीचे रोड पर पहुँच गया हूँ, सुबह तो बढ़िया धूप आई थी फ्रेंड, लेकिन दोपहर आते आते पूरे आसमान में बादल आ गए हैं। तो दोस्तों रोड मैंने अब छोड़ दी है और गांव के रास्ते पे आ गया हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाना है मैंने, और इस तरफ है हमारा पड़ोसी गांव, और जो गांव है गांव की ऊपरी सतह जो है ऊपरी चोटियाँ, तो उन पर कोहरा आने लगा है धीरे धीरे। ये देखिए और एक चीज़ और, हमारी फैमिली करीब 4000 के पार हो गई है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुक्रिया जो आप लोग इतना सहयोग कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं। और इस चैनल की वीडियो आप लोगों को कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड चलते चलते रास्ते में मम्मी लोग भी मिल गए और एक दो बुज़ुर्ग और जा रहे हैं, वो भी वहीं जा रहे हैं हमारी फैमिली के यहाँ। फ्रेंड अभी हो रहा है समय शाम के 6 बजे का और हम लोग आ चुके हैं नीचे हमारी फैमिली के यहाँ से। अभी जा रहा हूँ मैं कसले मार्केट को, और इसके बाद थोड़ी देर में और जाना होगा क्योंकि वहाँ कुछ सामान आएगा। अब 2 ही दिन का सूख है तो पीपल पानी होता है जिस दिन, तो कुछ बहुत सारे लोग भी आते हैं, तो हल्द्वानी से सामान भी आने वाला है जैसे आटा सब्जियाँ ये चीज़ें आने वाली हैं, तो वो ढोना होगा। तो अभी चलेंगे शाम शाम को, फिलहाल तो मैं और पंकज भाई जा रहे हैं कसले मार्केट को। कसले मार्केट पहुँच ही गया हूँ और शाम के नज़ारे कुछ इस प्रकार आ रहे हैं, आसमान घिरा पड़ा है बादलों से। अचानक पता नहीं इतना बड़ा सांड कहाँ से मिल गया ये रास्ते में हमको, एकदम गुस्से में लग रहा है, हम तो डर गए इससे। तो फाइनली दोस्तों पहाड़ों में एक और शाम हो चली है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं शाम के समय में। तो इसी खूबसूरत शाम के साथ दोस्तों आज के ब्लॉग में लेते हैं आपसे विदा, आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय, ख्याल रखिएगा। फ्रेंड मार्केट में तो कुछ इस प्रकार की चहल पहल देखने को मिल रही है सुबह सुबह, स्कूली बच्चे चल रहे हैं स्कूलों को और लोगों के अपने अपने कामों से लोग भी जा रहे हैं इधर उधर को। और इस प्रकार के नज़ारे हैं मुक्तेश्वर घाटी की तरफ, मुक्तेश्वर टेंपल की तरफ, इस प्रकार का मौसम हुआ है सुबह सुबह।
आज तो आसमान बादलों से घिरा पड़ा है, धूप का कोई नामो निशान नहीं है।